नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। मैं शिवम ठाकुर। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे फ्रेंड्स बेल्ट्रॉन के जो भी पास आउट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। बहुत मतलब रेगुलर वीडियोस मेरी बेल्ट्रॉन पे नहीं आ रही है, क्योंकि एक होता है फ्रेंड्स कि लगातार आप किसी चीज़ के बारे में बताने लगो तो फिर आपकी वैल्यू भी उतनी नहीं रह जाती है, लोग क्या क्या सोचने लग जाते हैं। तो इसीलिए तो खैर आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात यह है फ्रेंड्स की ज्वाइनिंग रिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे रिफ्यूज करने का मतलब है कि कोई कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया फ्रेंड्स उर्मिला से, और उर्मिला से मिलने के बाद अब वो जा रहे हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग करने, जिस डिपार्टमेंट में उनको भेजा जा रहा है तो वहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है, या फिर अगर एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो ये चीज़ सामने आई है कि दोबारा से हिंदी का टाइपिंग टेस्ट ले रहे हैं, जो कि बहुत ही परेशानी का कारण बन सकता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि पैनल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब हिंदी में उतनी अच्छी टाइपिंग नहीं है, फिर भी पास कराए गए हैं और ज्वाइनिंग तक भी वो लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग को क्या करना चाहिए वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बता दी जाएगी कि आप लोग क्या करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे, पहले से जानते होंगे, बहुत पहले से चैनल पे वॉच कर रहे होंगे मुझे, तो उन लोगों को पता होगा कि ये सब चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर देते थे कि तुमको क्या पता है, तुमको क्या पता कि इस बार से बेल्ट्रॉन से ही ज्वाइनिंग मिलेगा, या वाह आप गलत बताते हो ये वो। लेकिन आप वीडियो जो भी रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता होगा कि जो चीज़ मैंने बताई थी 100% वही फॉलो हुई है। आज के डेट में भी वैसे ही ज्वाइनिंग हो रही है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस थी फ्रेंड्स उसी में मैंने ये सब चीज़ें पहले भी बता चुका था मैं, ठीक है। तो जो रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, जैसे कि ये चीज़ें मैंने बताई हुई थी फ्रेंड्स की ज्वाइनिंग होगी वो उर्मिला के थ्रू ही होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मैंने ये भी बताई थी अगर किसी कारणवश आपका ज्वाइनिंग करने गए आप डिपार्टमेंट में, वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है तो क्या करना होता है, ठीक है। और देखिए चीज़ अभी फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, तो किसी को ब्लेम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि बंदे के पास नॉलेज अगर है या नहीं है। अगर है तो कितना सही है, आप लोग को अब तक तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स देखिए, दोबारा से ये चीज़ सामने आ रही है कि रिफ्यूज किया गया है ज्वाइनिंग और टेस्ट लेने की बात सामने आई है। ऐसे में कोई स्टूडेंट है प्रेम करके, पूरा नाम नहीं लूंगा, बहुत लोगों को पता होगा ग्रुप में, और भविष्य में उस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम अगर डिपार्टमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा वो, तो अगर वो उनका आपसी अगर सहमति बैठ गई तो सभी का ये टेस्ट लेना चालू कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी जिनका लेटर तैयार कर दिया गया है उनके पास पहुंचने वाला है, ज्वाइनिंग भी हो गई है, तो देखिए अब क्या करना है आप लोग को। आपके ज्वाइनिंग लेटर पे एक साल का कंडीशन होगा, ठीक है, कि एक साल तक अगर आप सही से काम नहीं कर पाते हैं, उतने दक्ष नहीं हैं, तो आप उस कंपनी को अधिकार होता है या उस विभाग को अधिकार होता है जिस विभाग में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है कि वो आपको निकाल सके। तो ये 1 ईयर होता है फ्रेंड्स प्रोविजन पीरियड। और आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट है बेल्ट्रॉन ये करके तो इसी में ऐसा है सिस्टम, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, प्राइवेट डिपार्टमेंट में जाएं, तो जो प्रोविजन पीरियड होता है फ्रेंड्स, अगर उस दौरान अगर आप कोई भी गलती करते हैं या फिर आप में क्षमता नहीं है, तो वो उस कंपनी को या फिर उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पूरा अधिकार होता है कि वो आपको बाहर कर पाए। ऐसे में फ्रेंड्स उस कंडीशन को फॉलो करते हुए अधिकार है किसी भी विभाग के पास कि वो आपको बाहर कर सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आप जो भी 70% नहीं, जो भी स्टूडेंट हैं जिनका हिंदी में अच्छा टाइपिंग नहीं है या फिर इंग्लिश में नहीं है, तो वो अपनी टाइपिंग को बिल्कुल दुरुस्त कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स ज्वाइनिंग पे खतरा है आप लोगों के, ठीक है। और इस पे जो भी विरोधी हैं या फिर जो भी अगर आप लोग को वॉच कर रहा होगा कि यहाँ पे इस पैनल में प्रॉब्लम है, तो वो आपके लिए खतरे की घंटी बन सकती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपनी टाइपिंग को बिल्कुल मजबूत करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा मामला सामने आएगा और बेल्ट्रॉन पे भी बात खड़ी हो सकती है कि जो निर्धारित अर्हता है वो टाइपिंग स्पीड है, बिना उसके आपके पैनल में बच्चे पास कैसे हो गए, जब आपने ये ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि हमारे पास दक्ष स्टूडेंट हैं, कैपेबल स्टूडेंट हैं, जो बेहतर हैं दूसरे जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनसे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ समझने वाली है, इसीलिए इस चीज़ को अपने जहन में बैठा के गौर करके आप लोग को रोज प्रैक्टिस करना है। ज्वाइनिंग जिनका हो गया है एक साल तक फ्रेंड्स उनके पास अधिकार होता है कंप्लीट कि वो आपको बाहर कर सकते हैं, और ज़्यादा नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस समय तक। लेकिन आप एक साल क्रॉस कर जाते हैं, आप एबल हैं, तो फिर थोड़ा सा आपका वहाँ पे कोई दिक्कत होने का ज़्यादा चांस नहीं रहता है। तो आपको एक साल तक में इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देखिए मैंने तो ये कंडीशंस बता दी, ये सारी चीजें बातें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं फ्रेंड्स, फिर भी आप लोगों को दोबारा बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को तो भरोसा होता नहीं है, पता नहीं किस पे भरोसा करते हैं। चलिए ठीक है, अब बताते हैं फ्रेंड्स कि जिनका ज्वाइनिंग लेटर जो लेके जा रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने और वहां पे उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है तो अब क्या करना पड़ेगा उनको। देखिए ऐसा है फ्रेंड्स कि जो बेल्ट्रॉन है या फिर उर्मिला है उनको एक कॉपी पहले से उस डिपार्टमेंट में भेजना पड़ता है, तभी उनको पता होता है कि हाँ स्टूडेंट आएगा हमारे पास, ज्वाइनिंग उनको देनी है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मेल कॉपी हो या जो हार्ड कॉपी हो वो डिपार्टमेंट या विभाग तक नहीं पहुंच पाए समय पे, या फिर उनका जो मेन अधिकारी है उसको ये बात पता ना हो तो वो लोग मना कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा घटना घटेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ज्वाइनिंग बाकी है या फिर किसी के साथ घट रहा होगा, तो उनको कुछ करना नहीं है, बेल्ट्रॉन ऑफिस नहीं जाना है फ्रेंड्स, उनको जाना है उर्मिला। ठीक है, उर्मिला जहाँ से जो आपका ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करा रही है हर बार की तरह, इस बार भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था पहले मुझे कि मुझे ही नहीं पता है इस बार बेल्ट्रॉन कराने वाली है, तो खैर अपनी अपनी सोच फ्रेंड्स, फिर भी जो भी हैं बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मुझे बिल्कुल सही मानते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है उनका। ज्वाइनिंग होने के बाद फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट भी किए हैं, बहुत खुशी हुई मुझे और अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्या बता रहा था मैं फ्रेंड्स कि आपको अगर आपकी ज्वाइनिंग वहां पर रिफ्यूज कर दी गई किसी कारणवश, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उर्मिला जाना पड़ेगा। उर्मिला जाने के बाद आपको कितना समय लग सकता है दोबारा से, तो आपको 15 दिन से 3 महीने तक भी लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग कराने का वो जिम्मा रखती है वो बताएगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे ही कोई डिपार्टमेंट में सीट खाली मिलती है तो आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, और वो कराती है फ्रेंड्स और कराती आ रही है, पहले भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये पहली बार हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, आज एक बेल्ट्रॉन ने एक लेटर जारी किया है, उसमें ये बताया है कि पिछले वाले कितने कितने स्टूडेंट 17, 18, 19, 20 में कितने स्टूडेंटों को उसने क्वालिफाई कराया था, और कितने स्टूडेंट मतलब अभी पैनल में है जो टोटल क्वालिफाइड है, मतलब पूरा टाइपिंग वाइपिंग दे के किस ईयर में कितने स्टूडेंट आए हैं। ठीक है, वेरीफाइड स्टूडेंट का लिस्ट दिया है और पूरा प्रोसेस दिया है कि बेल्ट्रॉन कैसे ज्वाइनिंग कराती है, और वो सब चीज़ें में हम लोग अब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा लेटर आपको दिखा देंगे दूसरे वीडियो में, हो सकता है कल बना देंगे उसके लिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपकी ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के बारे में जो मैंने डिटेल बताई है फ्रेंड्स कि अगर आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है तो आपको उर्मिला जाना है। लेकिन अभी यह बात फ्रेंड्स कि टाइपिंग टेस्ट के बाद अगर आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है तो इसके बारे में अभी ठोस बुनियाद नहीं है कि क्या करना पड़ेगा आपको, कि अब फिर से दोबारा टाइपिंग आपको बेल्ट्रॉन में जाके देना पड़ेगा या फिर उस विभाग में बैठा के दोबारा टाइपिंग लिया जाएगा। तो इस पे आपको एक कंप्लीट अच्छी वीडियो में कल या परसों में, आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा, लाइक अच्छा रहा, तो मैं जरूर बना दूंगा ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आज क्या करना है, आप लोग को अभी से ही टाइपिंग पे अपनी ध्यान देनी है, जो भी 30 और 35 का जो स्पीड है उसको मेंटेन करके रखना है फ्रेंड्स। तो यही मुझे मेरी आप लोगों से आप लोगों को बताना था कम्युनिकेशन के द्वारा, तो मैंने वीडियो बना दी है। तो फ्रेंड्स ठीक है, अब कुछ भी न्यू नया पता चलता है कुछ भी, तो जरूर आपको शेयर कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जिनको भी जरूरत हो इस वीडियो की, और पहली बार है चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंतजार करिए फ्रेंड्स मेरे किसी नए वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।